पूरे देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है, कई चरणों में चुनाव शुरू हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा 2024 के, वो भी होंगे 7 चरण में। आखिरी चरण में महाराष्ट्र के पालघर, भिवंडी, थाना, कल्याण, इन क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। लेकिन इस वक्त पालघर जिले में, भिवंडी लोकसभा में कई ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है, कई ऐसे लोगों का नाम निकल के सामने आ रहा है, कई ऐसे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त भिवंडी लोकसभा में नीलेश सामरिज की जो फाउंडेशन के सर्वे सर्वा लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं उम्मीदवारी के लिए, उनसे हम बात करेंगे। हालांकि जो भी नए उम्मीदवार खड़े होते हैं कई वादे करते हैं, अगर मैं चुन के आया तो मैं शिक्षा लोगों को दूंगा, अगर मैं चुन के आता हूँ स्वास्थ्य सेवा भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब पहले ही दे दिया गया है और उसके बाद कुछ रहा नहीं है, खाली सत्ता में आने के लिए और चुन के आने के लिए, ताकि और सशक्त हो जाए और यहाँ के लोगों का और साथ दे और विकास करे। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या कहेंगे आप, लोग वादा करते हैं कि मैं क्या मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपने सब पहले ही कर दिया, तो क्या बचा? ये समाज अपना है और अपने समाज की सेवा करना ये अपना प्रथम कर्तव्य है। हम देश के नागरिक है, सरकार करे या न करे, हमारे समाज को अच्छा शिक्षा देना बच्चों को, हमारे समाज को अच्छा आरोग्य व्यवस्था देना, हमारे दीदियों को अच्छा रोजगार देना और बच्चों को रोजगार देना है, क्योंकि हमारे शेतकरी फार्मर लोगों को अच्छी तरह से खेती का व्यवस्था उपलब्ध करके देना, यह हमारा ड्यूटी है। इस ड्यूटी से गए 15 साल जिदा वो काम कर रहे हैं, जिसके 8 CBSE स्कूल है, 20,000 बच्चे फ्री में CBSE पढ़ते हैं, 45 स्पर्धा परीक्षा वाचनालय मोखाड़ा तलासिन से लेकर सावंतवाड़ी तक, उसमें से 8,000 से ज़्यादा बच्चे जॉब पे लगे, 40 लाख के ऊपर हमारे हर गांव में मेडिकल कैंप होते हैं, थाना सिटी में भी 12 मेडिकल कैंप अनुमत होते हैं। हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, हमारे लोगों की आरोग्य की सेवा होना चाहिए, 40 लाख के ऊपर लोगों की वैद्यकीय सुविधा अपने जिदाओं के माध्यम से हुई है और वही काम पर हमारा विश्वास है। हर स्कूल में नोटबुक गई है गोकर्ण के पांचों डिस्ट्रिक्ट में, पांचों डिस्ट्रिक्ट में हर स्कूल में करियर गाइडेंस का कार्यक्रम हर साल होता है, वही काम पे हमारा विश्वास है। जो लोगों की जरूरत है आरोग्य की, शिक्षा की, महिला सक्षमीकरण की, युवा के रोजगार की और फार्मर की, वो सब जब हम कर रहे हैं तो सब समाज हमारे साथ में, जिसको जिसको हृदय है वो सब हर्ट है, वो सब लोग जिसको दिलाओं की जानकारी वो हमारे साथ में हमें वोट देने वाले हैं। भिवंडी लोकसभा में हम जैसे अंदर घुसे उसके पहले से आपके से बैनर लगे थे और लगता है भिवंडी में ऐसा कोई होगा जो आपको नहीं जानता है, हालांकि आप पहले शायद कभी सोचे नहीं थे कि आने वाले वक्त में मुझे भी उम्मीदवारी के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और आपने लगभग सबको सब कुछ दे दिया, शिक्षा भी दिया है, आपने रोजगार भी देने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हेल्थ का भी काम चालू है। अब ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मेरे सामने चुनाव में खड़े हो गए? नहीं, लोगों ने काम किया है, जिनके ऊपर भरोसा रखा वही लोक प्रतिनिधि, खाली खुद का भला देखा है और बाकी सामने वाले उम्मीदवार भी उतने कैपेसिटी वाले नहीं है कि वो उनको गिरा सकते, वो सब फिक्सिंग करते हैं, तो फिक्सिंग के आगे से हम जाके आम आदमी भी निवडणूक लड़ सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है इस देश के हर रहवासी को सामाजिक काम करने के लिए लोकशाही का पहला प्रथम कर्तव्य है कि निवडणूक चुन के आना चाहिए, वही हिसाब से हम इलेक्शन में खड़े लोगों की 100% सेवा करने के लिए, उसमें 70% 80% 90% ऐसा नहीं, 100% सोशल वर्क करने के लिए हम इलेक्शन में करेंगे। हमारा ऑफिस कोई होटल नहीं रहेगा या कोई रेस्ट हाउस नहीं रहेगा, हमारा ऑफिस इंदिरा गांधी हॉस्पिटल रहेगा, मोर कल्याण में जाएंगे तो रुक्मिणी देवी हॉस्पिटल चले रहेगा, पाड़ा में आएगा तो रूरल हॉस्पिटल रहेगा और मदलापुर में जाएगा तो उधर का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल रहेगा, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। हमारे 18 एम्बुलेंस है, एक हॉस्पिटल है, दररोज 3 मेडिकल कैंप होते हैं, उसी से सेवा करते हैं, तो और गवर्नमेंट के साथ में लेके उनके हॉस्पिटल हम ठीक करेंगे, उनके स्कूल ठीक करेंगे और दोनों मिला के इस दोनों लोकसभा का, भिवंडी और पालघर लोकसभा का परिवर्तन करेंगे। जो देश में गंदगी बोलते हैं, भिवंडी में गंदगी, पालघर में गंदगी, वो सब खत्म करके एक विश्व में अच्छे सिटी कैसा पालघर और भिवंडी होगा, ऐसा हम काम करेंगे। आपके सामने दो और उम्मीदवार हैं जो कि काफ़ी सशक्त हैं, बीजेपी से भी हैं, महाविकास अघाड़ी से भी हैं, क्या कहेंगे कि वो आपको टक्कर देंगे या फिर क्या होगा? ये लोगों की समझ एक है, बहुत ताकतवर है, जो ताकतवान जो होता है, जो लोगों की सेवा करता है प्रामाणिक से, ताकतवान जो होता है लोगों का अच्छा करता है, बुरा करना तो क्या है, कोई भी बुरा कर सकता है, आप या आप अकेले हो, हम बुरा करने के लिए 4 लोग तुरंत बुरा कर सकते हैं, या आप कोई गलत सवाल पूछ के मेरे को बुरा करवाने नहीं देंगे तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं रहती,
जो अच्छा काम करेगा, लोगों के प्रामाणिक से सेवा करेगा, वो चैलेंजिंग रहता है। हमारे पास बोलने के लिए क्या, परसों जेई का रिजल्ट लगा 99% स्कूल से बच्चों को मिल गए। हमारे पास ये है क्या, जिसको माँ बाप नहीं, वो लड़का हमारे पास से यूपीएससी बन गया। गन्ने तोड़ने वाले मजदूरों का बोलकर एसीबी बन गया। कचरे के ढिग में काम करने वाली दीपाली नाम की, जिसको माँ बाप नहीं, वो लड़के होटल मैनेजमेंट करके हमने 5 स्टार में भेज दिया। जिसके पेट में 2.5 महीने का बच्चा है और उसके हस्बैंड गुजर जाते हैं, जो लोगों के बर्तन साफ करने वाली मोहिनी बर्मन नाम की लड़की को, जब हमने हमारे जीजाऊ के पास आई, उसको पढ़ाई का हमने 15,000 रुपए दिया और आज वो मुंबई महापालिका में ऑफिसर बन गई। ये अच्छा रहते, उनके साथ बराबर रहते, लोगों के जेब में से पैसा निकल कोई बड़ा नहीं रहता। ऐसा रहते थे तो लोग रावण की पूजा करते थे, क्यों राम की पूजा करने लगे? रावण तो बहुत बलवान था ना। चर्चा ये भी है कि आपको महाविकास अघाड़ी से टिकट मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला और अब नाराज होके अपक्षी खड़े हो गए। हम नाराज भी रहते होते, हमारा अपने ताकत पे पूरा भरोसा है। जिस 200 पॉपुलेशन के गांव में 2025 रहते हैं ना महाराष्ट्र के, तो इतना विश्वास है हमारे पास। हमारे पास पूरे महाराष्ट्र के बच्चे, मेरे घर में बिहार का बच्चा पढ़ता है यूपीएससी का एग्जाम करता है। हमारा खुद के दम पे भरोसा है। वो टिकट का मामला खत्म हो गया, जिसने कुछ किया होगा, राजकारण है, गलीचे क्षेत्र है, वही सुधारने के लिए हमें, किसी का सुपारी लेके कोई क्या करता है वो सब खत्म करने के लिए हम आए। राजकारण ये पवित्र क्षेत्र है और लोगों की सेवा का क्षेत्र है और भारत देश को अभिमान मिल लगेगा, ऐसा हम काम करेंगे, ऐसा लोक नेता बनेंगे कि हर मतदान हमारा खरीदार होगा। सर आखिरी सवाल आपसे था कि जीत के आने के बाद भिवंडी लोकसभा के लिए सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? लूम्स के बारे में देखेंगे, लूम्स चालू होना चाहिए, जो 10-15 साल से बंद पड़े हैं वो चालू करेंगे। शिक्षा और आरोग्य पे ध्यान देंगे, महिलाओं के पूरे लोकसभा क्षेत्र में काम करेंगे कि महिलाओं को अच्छी तरह से रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। बच्चों का शिक्षा, 25 CBSE स्कूल है, उसमें से 10 CBSE स्कूल का हम भिवंडी सिटी में दे रहे हैं, कल्याण में दे रहे हैं, बदलापुर में दे रहे हैं, तो शिक्षा पे ध्यान देंगे और हेल्थ पे ध्यान देंगे और रोजगार पे ध्यान देंगे। IT सेक्टर भिवंडी में लाएंगे, खाली गोडाउन नहीं तो IT सेक्टर लाएंगे, कल्याण में लाएंगे, बदलापुर में लाएंगे, नौकरी वहाँ पे उपलब्ध करेंगे, ऐसा सेवा जी। धन्यवाद। मोदी जी कहते हैं कि मेरा गांव, मेरा देश, मेरा परिवार, और लेकिन भिवंडी लोकसभा में नीलेश सांबरे जी वादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों से लगातार भिवंडी के लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, तमाम लोगों को रोजगार दिए हैं, सैकड़ों लोगों का यहाँ पे इलाज करवाते हैं, सैकड़ों बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों लगातार दे रहे हैं। अब उम्मीदवार के लिए खड़े भी हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आ रहे हैं और जीत के आने के बाद ये सशक्त हो जाएंगे और यहाँ के लोगों का और विकास करने में उनको सहयोग मिलेगा। अब देखना होगा 6 जून को आखिरकार भिवंडी में किसकी सरकार आती है।